व्यूअर्स, वेलकम टू कंजास कुकिंग वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ भुना मुर्ग, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसके अंदर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो चलें अब हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स इसके। 1 किलो आप लोगों ने चिकन ले लेना है और इसमें 3 प्याज यूज़ होंगे। 1 प्याज को मैंने स्लाइसिस में कट करके रख लिया है और 2 प्याज की मैंने प्यूरी बना ली है। वो प्यूरी कैसे बनानी है, 2 इंच का आपने अदरक का एक पीस लेना है और 2 प्याज लेने हैं। उसका छिलका उतार कर तो आप लोगों ने इसको एक दफ़ा ब्लेंड कर लेना है थोड़ा सा पानी डाल के, ठीक है। तो ये प्यूरी बन जाएगी, ये अदरक की और प्याज की प्यूरी है। उसके बाद आप लोगों ने 1 प्याली लेनी है दही की, 1 टेबलस्पून सॉल्ट या जितना भी आप लेते हैं उतना ले लें, 1/2 टेबल स्पून आपने लेना है ब्लैक पेपर और 1 टेबलस्पून आपने लेना है लाल मिर्च पाउडर, और इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ होगा 1/2 कप। तो चलिए अब हम पहले से मैरिनेट कर लेते हैं। तो जी, सबसे पहले आपने मैरिनेशन के लिए एक बर्तन ले लेना है और उसमें दही को डाल देना है। आप लोगों ने विस्क कर लेना है, फेंट लेना है। साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है प्याज का और अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया था वो, और इसको भी एक दफ़ा आप मिक्स कर लें। इसमें ऐड कर देते हैं अपना नमक और लाल मिर्च पाउडर। काली मिर्च का पाउडर अभी आपने मिक्स नहीं करना, और इसको एक दफ़ा आप मिक्स कर लें बस। चिकन को कर देते हैं इसके अंदर मिक्स अच्छे से। चिकन को हमने कर दिया मैरिनेट और अब हम इसे रखने लगे हैं फ्रिज में। मैं इसे रख रही हूँ 2 घंटे के लिए, क्योंकि जितनी देर ये मैरिनेट होके पड़ा रहेगा उतना ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग इसे बस 15 मिनट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो चलें अब इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 प्याली ऑयल की। जो एक प्याज हमने कट कर लिया था उसको ऑयल में आप फ्राई कर लें, सुनहरी कलर का हो जाएगा ये प्याज। गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। मैरिनेट किया हुआ जितना भी दही था वो सारा आपने इसमें ऐड कर देना है और ये दही के पानी में ही कुक होगी। आपने इसको कवर करके रख देना है मीडियम फ्लेम पर 25 मिनट्स के लिए, 25 मिनट के लिए, और इसमें पानी आपने ऐड नहीं करना। ये दही के पानी में ही चिकन गल जाएगा हमारा, ठीक है। तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। तो व्यूवर्स, ये देखें 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कैप उठाते हैं और इस टाइम पर आपने इसमें डालनी है काली मिर्चें और साथ साथ इसको आपने भूनते जाना है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे से हिलाना है ताकि ये इसकी बोटियां अलग ना हो जाएं, और इसको बस भूनते जाएं। घी ऊपर आ जाएगा तो ये हमारेगा तो हमारा भुना हुआ मुर्ग तैयार हो जाएगा बस जी। तो ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया और हमारी हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी लास्ट लुक। व्यूवर्स, ये देखिए हमने भुना हुआ मुर्ग डिश आउट कर लिया है। कितना लजीज लग रहा है ये, और झटपट से तैयार भी हो गया है। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप भी किचन में जाएं और बनाएं इसे और मुझे बताएं कैसा बना है ये। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो वो ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।